एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित मीरापुर गांव पड़ा। लगभग 3000 आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान सेवन देवी हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही हैं। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 354 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 185 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 विद्युत पोल, 9 विद्युत ट्रांसफार्मर व 35 स्ट्रीट लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं, तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में खटंजे, 4 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर की मरम्मत व बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, 6 सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति मीरापुर ब्लॉक सदर तहसील सदर जिला मुजफ्फरनगर। हमने अपने ग्राम मीरापुर में 65 शौचालय बनवाए, पंचायत घर की मरम्मत करवाई जो बहुत ही खंडहर हालत में पड़ा हुआ था, उसकी बोमरी करवाई, खिड़की दरवाजे लगवाए और जी 4 इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई, 10 चैनल लगवाए। हमारे गांव में कोई भी हैंडपम्प कभी भी ख़राब नहीं होता, हम तुरंत उसके वो करते हैं। और हम अपने गांव में और भी बहुत कुछ काम ग्रहण जाते हैं, लेकिन हमारे गांव की नीति बहुत कम है। और हम अपने गांव के विकास के लिए सबसे पहले तो हम अपने शमशान घाट की सौंदर्यीकरण चाहते हैं, और एक हमारे गांव में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं, नाला चाहते हैं। और कई सड़कें हमारी गांव की अधूरी पड़ी, जिनमें एक पूरी खत्तों की वो है, उसमें बहुत बड़ा डिस्कस है, वहाँ पूरे गांव में गंदगी रहती है, उसे भी हम हटाना चाह रहे हैं। प्रयास में हम उसमें हमने उसकी बाउंड्री करवा के वहाँ कुछ ना कुछ गांव के लिए बनवाना चाहेंगे। मतलब हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास भी 10 लोग ऐसे हैं जिनके बनने चाहिए। हमारे गांव में आज तक कभी किसी भी योजना में कोई वो नहीं बना, बस लोहिया आवास के 2 मकान बने हैं। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, बस एक घर के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, या स्कूल में बैठा लो थोड़े बहुत बच्चों को। एक आंगनबाड़ी केंद्र बहुत जरूरी है हमारे गाँव में बनना, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य से की जो सेवाएँ हैं उनमें मिलती है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। गाँव की जो ग्राम समाज की जगह है वो बस्ती से दूर है, जंगल में है, वो दूसरे गांव वाले लोगों के कब्जे में, वो कब्जा मुक्त होनी चाहिए। और हम मांग भी करते हैं कि हमारे गांव की निधि बहुत कम है, इससे पूरा विकास कार्य नहीं हो पाता, बहुत काम लटके हुए हमारे गांव के, अधूरे पड़े हैं। हमारे गांव की जो निधि है वो बढ़ाई जाए, चौधरी वित्त से बढ़ाई जाए और केंद्र सरकार से बढ़ाई जाए।